आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। एचएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। ग्रासहॉपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की जानिब से ग्रासहॉपर्स चैलेंज ट्रॉफी 2022 टू डेज यहाँ पे कंडक्ट की गई थी, जिसमें 8 टीम्स को लिया गया था। ये टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट बेसिस पे था। एक एक टीम को 5-5 मैच खिलाए गए थे यहाँ पे लीग मूवमेंट के लिए। उसके बाद वो ग्रेजुएट हुए हैं नॉकआउट राउंड्स के लिए। यानी जो टीम इसमें हिस्सा लिए थे उसमें हैदराबाद की टीम ग्रासहॉपर इनकॉर्पोरेशन की एक अपनी टीम थी, और BRFC बोलाराम एक टीम थी, और महाराष्ट्र रेलवे पुलिस एक टीम थी, और तितवाला क्लब एक टीम थी, कल्याण फुटबॉल क्लब एक टीम थी, घाटकोपर FC एक टीम थी, और यहाँ अब्बास यूनियन एक टीम थी। तो टोटल हिसाब से 8 टीम्स का लीग मैच था ये, तो जिसमें फाइनल्स में घाटकोपर FC और BRFC बोलाराम के बीच में खेला गया था, जिसमें बोलाराम FC ने फाइनल जीत लिया है, चैलेंज ट्रॉफी जीत ली है। इतने सारे नौजवान उभरते हुए छोटे छोटे बच्चे और जो प्लेयर्स हैं इनको देखकर बहुत खुशी हो रही है। फुटबॉल हैदराबाद में एक तारीखी गेम है जी। आप 40-50 साल पीछे जाके देखें, इंडिया का जो प्लेइंग 11 हुआ करता था उसमें से 5-6 प्लेयर्स हैदराबाद के हुआ करते थे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, पुलिस डिपार्टमेंट से इतने सारे प्लेयर्स थे। जब मैं DCP था हैदराबाद में 1988-89 में, हर एक कप जो इंडिया में है, संतोष ट्रॉफी हो, दुरंध हो, हर एक ट्रॉफी वहाँ पर मौजूद थी हमारे पास। मेरी खुशकिस्मती थी कि 7-8 साल मैं स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रहा था। मैं अब थोड़ा गेम डाउन हो गया था इधर, क्योंकि जो उसकी सरपरस्ती होना था और उसका इनक्रेजमेंट जो होना था ये ज़रा कम हुआ था। अब मैं फिर देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है। नेशनल लेवल में भी लीग मैचेस बहुत चल रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, मैदान हैं, जहाँ पर बच्चे आके तरबियत लेना चाहते हैं। और खुशी की बात यह है, मसरत की बात यह है कि उनके साथ उनके माँ बाप भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, बच्चों को अच्छी जगह अच्छे कोचेस के हवाले करते हैं, और चल रहा है। अब यहाँ जो के कोचेस हैं, मैं आज की बात नहीं आई, कम से कम 15-20 साल से पुराने शहर में भी देखा था इनको। दारुशिफा ग्राउंड पे जो टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स थे उधर।